हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इस तरह की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो ब्लाउज का लंबाई जो है 14.5 है, तो 1 इंच लंबाई में बढ़ाकर 15.5 इंच ले लिए हैं और तीरा का नाप जो है 5.25 इंच लिए हैं और आर्म होल का जो नाप है ये 5.5 इंच और यहाँ से 5 इंच और यहाँ से सीधा इस तरह से खींच लेंगे और 1.5 इंच आर्म होल की गुलाई ले लेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, चेस्ट का नाप जो है 19 इंच है, तो उसका आधा 9.5 होगा, तो 1 इंच बढ़ाकर हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है और ये आगे वाला भाग है। अब कमर का नाप फ्रेंड्स 15 इंच है, तो इसमें इसका आधा होगा 7.5 इंच, तो इसमें 2.5 इंच जोड़कर 8.5 9 यानी 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। 10 इंच पे निशान लगाकर और तो फ्रेंड्स इस तरह से मिला लेंगे यहाँ से। इसके बाद फ्रेंड्स गला जो है 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे और ये आगे का गला है फ्रेंड्स और यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। 7 इंच पे निशान लगा लेंगे यहाँ से, इस तरह से मिला लेंगे। वी शेप में हम इसका गला बनाएंगे इस तरीके से। बहुत ही ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही सरल तरीका है प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ से कंधा के बीचों बीच हम इस तरह से नाप ले लेंगे, जितना तीरा है उसका कंधा का आधा हम ले लेंगे बीचों बीच, इस तरह से निशान लगा लेंगे बीचों बीच, इस तरह से सेंटर देख लेंगे, मिला लेंगे इस तरीके से। अब फ्रेंड 10 इंच पे निशान लगा लेंगे यहाँ, 10 इंच पे इस तरह निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से मिला लेंगे फ्रेंड्स और यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से मिला लेंगे अब यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाकर इस तरीके से मिलाएंगे फ्रेंड्स और इधर से 2 पॉइंट और इधर से 2 पॉइंट, दोनों तरफ से 2-2 पॉइंट की दूरी लेना है। अब फ्रेंड्स हम कटिंग करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ से भी इस तरह से कपड़े को काट कर निकाल लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग हो गई आगे वाले भाग की। अब हम बैक वाले भाग की कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब रखेंगे इसको और लंबाई इस तरीके से 1 इंच जो है इस तरह से मोड़ लेंगे आगे वाला भाग, क्योंकि पीछे वाला भाग 1 इंच कम रहेगा। अब इसी तरह हम कटिंग कर लेंगे। अब हम पीछे का गला 10 इंच पे सुराही गला की कटिंग करेंगे इस तरीके से शेप बनाकर और कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बाजू की कटिंग करेंगे इस तरीके से, फोल्ड कर लेंगे, यहाँ से आर्म होल से नाप लेंगे। हाई जो है फिक्स 6 इंच रखना है, तो 1 इंच बढ़ाकर हम 7 इंच लेंगे और नीचे उसका आधा लेंगे यानी 3.5 इंच इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इस तरीके से मिला लेंगे निशान लगा करके। इसके बाद इस तरीके से गोलाई ले लेंगे और यहाँ से फिटिंग का नाप लेते हुए 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए निशान लगा करके कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। अब इसको अलग कर लेंगे। अब हम इस तरीके से डिज़ाइन का ध्यान देते हुए ये फ्रंट वाला भाग है इस तरह से रख करके और कटिंग करेंगे। अगर लंबाई में वो कपड़ा कम हो रहा है तो उसमें जॉइंट करके और सिलाई कर लेंगे फ्रेंड्स। अब हम बैक वाले भाग की कटिंग करते हैं। इसके बाद बाजू का डिज़ाइन ध्यान देते हुए कट लगा करके इसके बाद कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सिलाई का हम वीडियो ज़रूर डालेंगे इसके बाद फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।